नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है टीचर टॉक में। तो आज हम करेंगे क्लास 12th RBSC का चैप्टर नंबर 7, डेड मैंस पाथ, जिसके राइटर हैं चिनो अचबे। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं बताऊंगा इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट मीनिंग्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इसकी समरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके जो राइटर हैं चिनो अचबे, वो एक नाइजीरियन है, नॉवलिस्ट है, क्रिटिक है। इनके बारे में इतना ध्यान रखना ज़्यादा माथा दुखाने वाला काम नहीं है। अब डेड मैंस पाथ चैप्टर क्या बता रहा है, हमारे जो सोसाइटी में आसपास में जो कंडीशन है, एक्चुअल में उसी का एक रूप है डेड मैंस पाथ जो चैप्टर है। ये बेसिकली बता रहा है जो पुराने लोगों की सोच है, जो अंधविश्वास है, जो भ्रम है उनके अंदर, उसको जो मॉडर्न लोग है कैसे चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, वो चीज़ बता रहा है। जैसे मैं एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेता हूँ, आपके जाने के लिए रेडी हो गए, सब तैयार है, घर वाले पूरी फैमिली मेम्बर एक ट्रिप पे जा रहे हैं, पिकनिक पे जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, गोवा जा रहे हैं सारे। तो एक बिल्ली रास्ता काट के चली गई, दादाजी रूठ गए कि आगे नहीं बढ़ना, अशुभ हो जाएगा। किसी को छींक आ गई, दादाजी रूठ के आगे नहीं बढ़ना, अशुभ हो जाएगा। तो एक अंधविश्वास है उनका। और आपके साथ में कोई अंकल है जो बाहर से आए हुए हैं, वो बोल रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होता, सब साइंटिफिक है, बिल्ली कटे चाहे कुत्ता कटे रास्ता, अपन को तो आगे चलना है, वो चल देते हैं। तो उनके बीच में क्या एक ट्राइबल वॉर की सिचुएशन कन्वर्ट हो जाती है या क्रिएट हो जाती है दादाजी में और अंकल में। वो बोलेंगे ये होता है, वो बोलेंगे ये होता है, कॉन्ट्राडिक्शन आ गया कि उनकी सोच क्या है ये और अंकल की सोच क्या मॉडर्न है। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है, इसी को थोड़े बड़े रूप में इस चैप्टर में पेश किया गया है। तो बस कंसेप्ट इतना ही है, ये आपको पता होना चाहिए। इस चैप्टर में ये बताया गया कि अंधविश्वास को, जो पुरानी सोच को, नई सोच ने कैसे इरेडिकेट करने की, कैसे उखाड़ने की, कैसे ख़त्म करने की कोशिश की है। अब चैप्टर पे आते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है चैप्टर वैसे। इसमें कैरेक्टर्स देखो, पहले माइकल ओबी भाई साहब है, वाइफ है उनकी नैन्सी, बड़े क्यूट नाम है, बड़ी खूबसूरत है वो। 2 साल हुए शादी को, नई नई शादी हुई है। और विलेज है एनी नाम का, ये याद रखना, विलेज का नाम है एनी। चैप्टर में केवल एक लाइन में एक बार इस नाम का जिक्र हुआ है, हर एक को ध्यान में भी नहीं आएगा, इसलिए आपको याद रखना विलेज का नाम है एनी। और उसके अंदर एक स्कूल है एंड्यूम सेंट्रल स्कूल, उसके अंदर सारा घटनाक्रम होता है। तो इस इन कैरेक्टर्स को माइंड में रखो और उस स्कूल को माइंड में रखो। अब अपन स्टार्टिंग से स्टोरी पे आते हैं। माइकल ओबे नाम का हेडमास्टर अपॉइंट किया जाता है एंड्यूम सेंट्रल स्कूल में। कारण, एंड्यूम सेंट्रल स्कूल एक अनप्रोग्रेसिव, नेगेटिविटी से भरपूर, शिथिल स्कूल है, जिसके अंदर क्या मैनेजमेंट ढंग से नहीं हो रहा, स्टूडेंट्स को एजुकेशन ढंग से नहीं मिल रही, वहाँ के जो गांव के लोगों की जो सोच है उसके कारण स्कूल का पतन हो रहा है, डेवलपमेंट नहीं हो रहा, डिप्रेसिव हो रहा है उसका ग्राफ स्कूल का, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में जैसे अपन कोचिंग में पढ़ रहे हैं, अपन तो कोचिंग में कोई टीचर है वो क्या उल्लू बना रहा है अपन को, ढंग से पढ़ा नहीं रहा, या उनके पढ़ाने का तरीका सही नहीं है, उनमें नॉलेज बहुत है, वो ढंग से पढ़ा नहीं पा रहे, बच्चों को वो बात गेन नहीं हो रही, तो मैनेजमेंट ने क्या करता है, उसको रिप्लेस कर देता है। वैसे मैनेजमेंट ने हेडमास्टर को एंड्यूम सेंट्रल स्कूल में अपॉइंट किया, यंग और एनर्जेटिक समझ के कि ऐसे बंदे की ज़रूरत है वहाँ पे अपॉइंट किया। तो नैन्सी भी साथ साथ में चली गई, उसकी वाइफ, 2 साल हुए भाई शादी को, नया नया शौक है, साथ में जाएगी, क्यों नहीं जाएगी। उसका रोल क्या है, उसके माइंड में थॉट्स आते रहते हैं कि इस स्कूल में क्या होगा, इस स्कूल में मैं गार्डन बनाऊंगी, स्कूल में कितने अनमैरिड लोग हैं, कितने मैरिड लोग हैं, ऐसे ऐसे थॉट्स उसके माइंड में आते रहते हैं। और वो उसके हस्बैंड की 2 क्वालिटी से बहुत इंप्रेस होती है। हस्बैंड की 2 क्वालिटीज़ है, पुराने लोगों की सोच का विरोध करना, जो गलत सोच है, नेगेटिव सोच है, और नई एजुकेशन को स्टेबल करना या उसको स्थापित करना, इस्टेब्लिश करना, ये उसकी सोच। इससे वो बहुत प्रभावित है और उसको सपोर्ट भी करती है। नैन्सी का रोल बहुत सपोर्टिव है अपने हस्बैंड के लिए। तो एक दिन क्या होता है, माइकल ओबी वो क्या कर, अपने काम को एडमायर करते करते काम और सारा इकट्ठा कर लिया, पुराने जो कागजात है वो देख लिए, जैसे नया अपॉइंट होता है वो काम कर रहा था, सब कुछ हो गया, ख़त्म हो गया, स्कूल ऑफ होने का टाइम आ गया। अब क्या हो रहा है, माइकल ओबी जाने की तैयारी में, सामने से उन्होंने देखा कि एक ओल्ड लेडी स्कूल के रास्ते से कोई दूसरी ओर जा रही थी। तो उसको बड़ा सा अचंभा हुआ कि आश्चर्यचकित हुआ वो कि ये क्या हो रहा है। तो उसने टीचर से पूछा, भाई पुराना टीचर है, कि आपने, मतलब व्यंग्यात्मक रूप में कहा कि आपने गांव वालों को, मतलब स्कूल को फुटपाथ बनाने के लिए छूट दे दी है, कि भाई लोग यहाँ से जा रहे हैं, फुटपाथ ही बन गए स्कूल, एक व्यंग्यात्मक रूप से कहा। तो जो टीचर्स थे उन्होंने बड़ी शर्मिंदगी से कहा कि हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रास्ता है ये, इनका जो विलेज का मंदिर है उससे इनके कब्रिस्तान को कनेक्ट करने वाला रास्ता है और ये एकमात्र रास्ता है इनके लिए। तो हेडमास्टर ने कहा हमारा काम केवल पढ़ाने का है,
और स्कूल का काम बच्चों को एजुकेशन देने का, ऐसे अंधविश्वास के अंदर या जो ऐसे जो विलेजेस विलेजर्स के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने का काम नहीं है। तो जो टीचर्स हैं उन्होंने कहा हम कर भी क्या सकते हैं, हमने कोशिश की थी आपकी थॉट के हिसाब से, पर पीछे पिछली बार गांव वाले सारे इकट्ठे हो गए थे, स्कूल का बहुत विरोध हो गया था, इस टाइप से हल्ला मच गया था बहुत ज़्यादा। फिर जी हेडमास्टर तो क्या भयंकर कट्टर है, पुरानी सोच का जो फालतू अंधविश्वास है, उसने क्या किया वहाँ पे बड़े बड़े लट्ठे लिए, लकड़ी के स्टिक्स ली, पूरे रास्ते को ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक करते ही वैसे ही जो बूढ़े अंकल, बूढ़ा प्रेस्ट था, प्रेस्ट थे जो गांव के, वो अगले दिन पहुंच गए स्कूल हेडमास्टर के साथ में। हेडमास्टर पहुंचा, पीछे पीछे वो पहुंच गए, उनका एक कैरेक्टर दिखाया गया, उनके हाथ में लकड़ी रहती है और वो कोई भी बात को बताने के लिए उस लकड़ी को ज़मीन पर ठकरा के पॉइंट आउट करते हैं, ये उनका कैरेक्टर थोड़ा सा डिफाइन किया गया। ठीक है, वो प्राइस्ट पहुंचा, पंडित जी पहुंचे वहाँ पे हेडमास्टर से मिलने के लिए, थोड़ी बहुत बातचीत हुई आपस में, जो फ्रेंडशिप की बातें होती है वो कर ली, गप्पे सप्पे मार लिए। फिर वो आया प्राइस्ट मुद्दे पे, जिस पंडित है पंडित अपने मुद्दे पे आया कि मैंने सुना है, पंडित हेडमास्टर को बोला मैंने सुना है कि जो विलेज के मंदिर को कब्रिस्तान से कनेक्ट करने वाला जो रास्ता है वो आपने बंद करवा दिया है, ऐसे धमकी देते हुए कहा। तो उसने कहा हाँ बंद करवा दिया, स्कूल का काम क्या है? हेडमास्टर एक लिबरल होने के लिए जवाब देता है, स्कूल का काम पढ़ाने का, बच्चों को ऐसे अंधविश्वास में विश्वास करने का काम नहीं है। ठीक है, तो प्रेस्ट ने कहा क्या तुम्हारे जन्म और तुम्हारे पापा और दादा के जन्म से पहले का रास्ता है ये वो रास्ता है जहाँ से हमारे एंसिस्टर्स हमको मिलने आते हैं और जो हमारे डेथ होती है वो यहाँ से जाते हैं, और न्यू बॉर्न बेबी का जन्म भी इसी रास्ते से होता है, ये उनका अंधविश्वास है। ये क्वेश्चन भी है आपके टेस्ट बुक में, याद रखना कि उनका अंधविश्वास क्या था, एंसिस्टर का जाना, नए लोगों का आना, ये उनका अंधविश्वास था उस रास्ते को लेकर के। ठीक है, फिर भी वो हेडमास्टर तो कट्टर का कट्टर, वो कहता है हमारा काम ये नहीं है, कुछ भी हो आप अपना रास्ता दूसरा बनाओ अपने अंधविश्वास के लिए, स्कूल का काम पढ़ाने का, स्कूल पढ़ाएगी, स्कूल का मैनेजमेंट पढ़ने का काम करेगी केवल। ठीक है, उन दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। फिर भी बूढ़ा तो बूढ़ा है, बूढ़े अंकल चले गए कह के तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, बाकी तुम्हारे ऊपर, अगर तुम रास्ता खोल दो तो हमारे और तुम्हारे बीच में कोई लड़ाई नहीं रहेगी। ठीक है, उसने रास्ता नहीं खोला। अगले दिन क्या होता है, एक यंग जो यंग लेडी है उसकी डेथ हो जाती है बच्चे को जन्म देते टाइम। ठीक है, डेथ हो गई, तो फिर आथवा जो गांव के लोग हैं डिवाइनर एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष के पास जाते हैं कि भाई ये इसका कारण क्या है। तो ज्योतिष भाई साहब क्या कहते हैं कि जो एक नेगेटिविटी का काम किया गया, जो ब्लॉक्स को, जो रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया एंसेस्टर्स के, या नए बच्चे का जन्म होने के रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया, इससे हमारे पूर्वज हैं वो भयंकर भड़क चुके हैं, नाराज हो चुके हैं, अब उनको खुश करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत सारी कुर्बानी देनी पड़ेगी, कुर्बानी देनी पड़ेगी मतलब जिसने काम किया उसका विरोध करना पड़ेगा। तो बस ये नेगेटिविटी फैल गई, उस टीचर के विरुद्ध सारी खमे स्टार्ट हो गई, स्कूल को तोड़ फोड़ स्टार्ट कर दी, उस रास्ते को खोल दिया, स्कूल में तोड़ फोड़, बोर्ड चौक मारकर सब इधर उधर सब खत्म, मास्टर के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया गांव वालों ने, इस तरह से पूरी स्कूल की खराब हो गई हालत। और कुछ दिनों बाद वो आने वाले थे इंस्पेक्शन के लिए, ऑफिसर एजुकेशन ऑफिसर, उन्होंने आए, उन्होंने भाई जड़े पे नमक छिड़क दिया, उन्होंने क्या देखा कि स्कूल की कंडीशन को ध्यान में रखते हुए कहा कि ये जो कंडीशन हुई है ये सारी इस टीचर के कारण हुई है जो जेलिस वाली फीलिंग क्रिएट कर रहा है गांव वालों के बीच में, और अपनी जो खुद की जो एक्स्ट्रा इनोवेटिव सोच है उसके कारण यहाँ पे ट्राइबल वॉर की सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। इतने में चैप्टर ख़त्म। अब इसे मॉरल क्या मिला कि भाई जिसने कोशिश की कि मैं डंका काम करूं, कर तो दिया पर लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहा, ऑफिसर है उसको क्या लगा ये इसके कारण हुआ है सारा खेल, ये इसको संभाल नहीं रहा है, या ऐसी ज़्यादा इनोवेटिव सोच तो या ज़्यादा मॉडर्न सोच गांव वालों को सहन नहीं हो रही वो। तो एंड में मिलता यही है अपन को कि कोशिश भली कर लो आप, कामयाबी नहीं मिल रही है इस फील्ड में कि अंधविश्वास को कैसे रेडिकेट किया जाए, पर हमसे ये मॉरल, हमको ये मॉरल मिल सकता है कि हिम्मत तो करनी चाहिए कम से कम ऐसे सुपरस्टिशन से, जो ऐसे जो अंधविश्वास है इनको ख़त्म करने की। तो इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड आते हैं जो मैं आपको अभी सामने दे रहा हूँ, पांच छह वर्ड हैं, अच्छे वर्ड्स हैं, इनको नोट डाउन कर लीजिए, और मैं अभी डिस्क्रिप्शन में 3 से 4 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चन दूंगा हाईस्ट, 5 क्वेश्चन बहुत है, हाँ मिक्सअप करके फ्यूजन दूंगा 5 क्वेश्चन का, और एक क्वेश्चन मैं डालूंगा कमेंट बॉक्स में जिसका रिप्लाई आपको देना होगा। तो मेरे हिसाब से आपको चैप्टर समझ आ गया होगा, समझ आ गया तो भाई साहब लाइक कमेंट या सब्सक्राइब तीनों में से कोई एक चीज़ ढंग से कर दीजिए, दिल खोल के कर दीजिए, ज़बरदस्ती मत करना,
अगर लगा अच्छा तो ही करना, नहीं तो अनलाइक भी कर सकते हो। बढ़िया लगा हो तो सब्सक्राइब करके घंटा जरूर दबा देना। धन्यवाद दोस्तों, आगे मिलेंगे। 12th का RBSC का पूरा कोर्स अपलोड करने का प्लान है, तो आप ऐसे सपोर्ट करते रहिए, मैं अपलोड करते रहेंगे। ओके, थैंक यू।